में बराबर की भागीदारी हो। प्रिय विद्यार्थियों, अधिकारियों, मैं आप सभी से ये भी अनुरोध करना चाहूँगी कि जब आप अपने कार्य क्षेत्र में जाएं, तो वहाँ के जनजातीय लोगों के बीच समय बिताएं, उनका स्नेह एवं विश्वास अर्जित करें, वहाँ के समाज की गुड प्रैक्टिसेस को सीखें और उनका प्रचार प्रसार भी करें। आप अपने दायित्व की ओनरशिप लें और रोल मॉडल बने। उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता के मानकों में सुधार के लिए कार्य करें। आपका कार्य ऐसा हो जो इस क्षेत्र के बच्चों को फॉरेस्ट सर्विसेज में आगे के लिए प्रेरित करे। देवियों और स्वजनों, 18वीं और 19वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति की वजह से लकड़ी और अन्य वन उत्पादन की मांग बढ़ी है। बढ़ती मांग के कारण वनों के उपयोग के नए नियम कानून और तरीके अपनाए गए हैं। ऐसे नियम कानूनों को लागू करने के लिए इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की पूर्ववर्ती सेवा इंपीरियल फॉरेस्ट सर्विस का गठन किया गया है। उस सेवा के लोगों के मैंडेट जनजातीय समाज तथा वन संपदा की रक्षा करना नहीं था। उनका मैंडेट भारत के फॉरेस्ट रिसोर्सेस का अधिक से अधिक दोहन करके ब्रिटिश राज के उद्देश्यों को बढ़ावा देना था, जंगलों पर साम्राज्यवादी नियंत्रण स्थापित करना था। ये दुखदायक तथ्य है कि वर्ष 1875 से 1925 तक की 50 वर्षों की अवधि में 80,000 से अधिक बाघों, 1.5 लाख से अधिक तेंदुआ और 10 लाख से अधिक भेड़िया का शिकार लोगों को प्रलोभित प्रलोभन देकर कराया गया था। मैं जब ऐसे म्यूजियम्स में जाती हूँ, वहाँ पशुओं की खाल या कटे सर को दीवारों पर सजाया गया है, तो मुझे लगता है कि ये एग्जिबिट मानव सभ्यता के पतन की कहानी कह रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि आज की इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की सभी अधिकारी पहले की इंपीरियल फॉरेस्ट सर्विस की उपनिवेशिक मानसिकता एवं दृष्टिकोण से पूरी तरह मुक्त हो चुके हैं। आपको भारत के प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण एवं संवर्धन ही नहीं करना है, बल्कि परंपरा से संचित ज्ञान का मानवता के हित में उपयोग करना भी है। आपको आधुनिकता एवं परंपरा का समन्वय करके वन संपदा की रक्षा करनी है तथा वनों पर आधारित लोगों के हितों को आगे बढ़ाना है। ऐसा करके आप सही अर्थों में पर्यावरण अनुकूल और समावेशी योगदान दे सकेंगे। प्रिय अधिकारियों, आप सभी एक कठिन परीक्षा को उत्तीर्ण करके यहाँ तक पहुँचे हैं। आपकी योग्यता सराहनीय है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि आपकी असली परीक्षा अब शुरू होगी। आपके सामने कई प्रोफेशनल्स चुनौतियाँ आएगी। जब भी आप किसी दुविधा में हो, तब आप संविधान के मूल्यों और भारत के लोगों के हितों को ध्यान में रख कर फैसला लें। इसी उम्मीद के साथ मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।